तस्वीरें चीन की हैं, जहां एक मुस्लिम आबादी वाले इलाके में स्थानीय लोगों और जनता के बीच झड़प हो गई। चीनी पुलिस इलाके में मौजूद सदियों पुरानी मस्जिद की गुम्बददार छत को गिराने के लिए आई हुई थी, जिसका विरोध वहां रह रहे मुस्लिम समुदाय ने किया। इसी को रोकने के लिए स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। चीन की सरकार लंबे समय से मुस्लिम धार्मिक प्रथाओं पर अपना कंट्रोल करना चाहती है। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार ऐसी कोशिश करती रहती है, जिसमें खासकर वहां रहने वाले मुस्लिम लोगों को नुकसान पहुंच सके। मस्जिद की गुम्बददार छत को गिराने के लिए आई पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। इस घटना से जुड़ी वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शनिवार की सुबह नाजियायिंग मस्जिद के गेट के पास पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ झड़प हो रही है। इस दौरान जनता के आक्रोश का पुलिस को सामना करना पड़ा। आखिरकार पुलिस जनता के विरोध के दबाव में पीछे हट गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने गेट के बाहर धरना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना साल 2020 से जुड़े कोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई है, जिसमें मस्जिद के बनाए गए कुछ हिस्सों को अवैध माना गया और उसे तोड़ने का आदेश दिया गया। नाजियायिंग मस्जिद का इतिहास बहुत पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। हाल के कुछ सालों में मस्जिद में कई तरह के काम हुए हैं, जिसमें इमारतों, चार मीनारों और एक गुंबददार छत को बनाया गया है। मस्जिद के एक हिस्से को साल 2019 में संरक्षित सांस्कृतिक अवशेष के रूप में नामित किया गया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हाल के दिनों में धार्मिक प्रथाओं पर अपने प्रतिबंधों को तेज कर दिया है।